हेलो मॉमीज, वेलकम टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं बात करने वाली हूँ रिपीटेड वॉवल डबल ओ की साउंड्स के बारे में। इसके दो साउंड्स होते हैं और ये बच्चों के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि कब कौन सा साउंड यूज करना है। ऑल्दो इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, पर इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो हम बच्चे को बता सकते हैं, जो ताकि उनके लिए ये याद रखना इजी हो जाए कि इसके कौन से साउंड को कब यूज करना है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। रिपीटेड वॉवल ओ या डिप्थोंग ओ के साउंड के प्रोनाउंसिएशन के लिए कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि हम बच्चे को बता दें कि यहाँ पे ये यूज करना है, यहाँ यूज करना है। इसको प्रैक्टिस कराते समय ही आप बच्चे को इन जनरल कुछ टिप्स दे सकती हैं। फर्स्टली वी टॉक अबाउट शॉर्ट साउंड ऑफ डबल ओ। सो ऐसे वर्ड्स जिनमें डबल ओ के शॉर्ट साउंड का यूज होता है, एग्जाम्पल है बुक, कुक, टुक, हुक, लुक, फुट, हुड, गुड, वुड, स्टूड। तो यहाँ पे इन जनरल हम देख रहे हैं कि ऐसे वर्ड्स जिनमें डबल ओ के बाद के आ रहा है, डबल ओ के बाद अगर के आ रहा है यानी उक साउंड आ रहा है, तो वो वहाँ पे शॉर्ट साउंड यूज हो रहा है। या डबल ओ जो है के को फॉलो कर रहा है, देन साउंड विल बी शॉर्ट। जैसे बुक, कुक, टुक, हुक, स्कुक, ब्रुक, ये हो गए। और फिर सेकंड टिप ये भी बता सकते हैं बच्चे को कि अगर डबल ओ के बाद डी आ रहा है, डबल ओ इज फॉलोड बाय डी, देन वुड वर्ड्स भी शॉर्ट साउंड होता है, जैसे हुड, गुड, वुड। तो मैं फिर से बता दूं, ये कोई फिक्स रूल नहीं है मम्मीज, यहाँ हम बच्चे को याद रखने का एक शॉर्ट तरीका बता सकते हैं कि जनरली O is followed by K or D, then maximum time the sound will be short. अब आते हैं long sound. So, ऐसे words जहां double O का long sound use हो रहा है, example है pool, cool, tool, fool, school. तो हम यहां बच्चे को बता सकते हैं if double O is followed by L, यानी अगर double O के बाद L आ रहा है तो maximum time पे उसका sound लॉन्ग हो जाता है, जैसे स्कूल, टूल, फूल। पर यहाँ भी ये कोई फिक्स रूल नहीं है, ये एक टिप है। अब इसके कुछ और एग्जांपल, गूज, चूज, शूट, जूम, शून, रूम, इसी तरह से फिर जू, टू, इग्लू, याहू। यहाँ एक और बात आप बता सकती हैं कि अगर डबल ओ वर्ड्स के एंड में आ रहा है तो उसका साउंड लॉन्ग होगा, जैसे जू, टू, इग्लू, याहू, इस तरह से। इसके फिर कुछ और एग्जांपल बताइए उन्हें, जैसे ग्लूम, ब्लूम, गूगल, कार्टून। ये वर्ड सारे बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करता है, तो बच्चे को पढ़ाते समय कुछ एक वर्ड्स ऐसे ढूंढिए जो उनकी रियल लाइफ से उनको कनेक्ट करता हो, तो वो इंटरेस्ट लेते हैं और उन्हें याद भी लंबे समय तक रहता है। ये तो हो गए वॉवल के शॉर्ट साउंड एंड लॉन्ग साउंड के एग्जाम्पल्स। पर कुछ एक वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जहाँ कुछ अलग ही साउंड आता है, मतलब ना शॉर्ट साउंड आ रहा है ना लॉन्ग साउंड आ रहा है, देखते हैं उनके एग्जाम्पल। तो ये रहे कुछ एक्सेप्शंस जहाँ पे डबल ओ का साउंड अ आ रहा है, जैसे फ्लड, ब्लड, यहाँ इनका साउंड अ आ रहा है। फिर इसी तरह से डोर, अलग ही साउंड आ रहा है। ऐसे वर्ड्स भी बच्चे को जरूर पढ़ाइए कि ये एक्सेप्शंस है। तो इस तरह के वर्ड्स की कलेक्शन बना लीजिए और इसकी खूब प्रैक्टिस बच्चे से करवाइए। उन्हें बोलने को बोलिए कि अब इसे बोलो, अब इसे बोलो, बोलते बोलते मिरर के सामने खड़ा करके बोलवाइए, तो बच्चा खुद ही समझ जाता है कि किसको कैसे रीड आउट करना। और साथ ही साथ बच्चे से डेली रीडिंग की प्रैक्टिस तो करवानी है फ्रेंड्स, तो रीडिंग से और बाय द प्रैक्टिस बच्चा इजिली कर लेता है। अब बारी आती है उनकी टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग के लिए आप कुछ इस तरह की वर्कशीट बना लीजिए जिसमें आप दोनों तरह के वर्ड्स को लिख दीजिए, शॉर्ट साउंड वाले भी और लॉन्ग साउंड वाले भी। वर्ड को भी आपने इकट्ठे मिक्स करके लिख दिया है इस तरह से। अब उन्हें सेपरेट करना है, लॉन्ग साउंड को इधर और शॉर्ट साउंड को इधर। अब बच्चा खुद पढ़ेगा वुल, अब सोचेगा इधर होगा या इधर होगा, गुड इधर होगा या इधर होगा। फिर आप जज कर सकते हो कि बच्चे ने समझा बात को, कैच किया या नहीं किया। तो इस तरह से बच्चे की प्रैक्टिस करवाइए और फिर उसका टेस्ट लीजिए। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगी। यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।